मित्रों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो आपको है ना, मैं आज घुमाने वाला हूँ गुड़गांव का गुड़गांव का एरिया मॉल, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर ना इल्यूजन म्यूजियम रूम्स है और आपका डायनासोर पार्क है और क्या क्या है इस मॉल में वो भी दिखाएंगे। तो पूरा ही कवर कर दूंगा, अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, देखो जैसे लोगों ने बना रखी है। तो उसे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ही बारी में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दिल्ली एंसर में ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो और वीडियोस देख के मुझे बताना कि मेरी कैसी लगी वीडियोस। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना और कमेंट करना कौन सा सेक्शन अच्छा था, और चैनल को यूं सब्सक्राइब करना। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट यू। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। जो एरिया मॉल की लोकेशन है वो सेक्टर 68 गुड़गांव है, और यहाँ पे सबसे नियर मेट्रो स्टेशन पड़ता है हुडा सिटी सेंटर, और ना तो आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि रैपिड मेट्रो पे सेक्टर 58 और 56 पड़ता है। हुडा सिटी सेंटर से आपको सबसे पहले क्या करना है, ई रिक्शा लेना है सुभाष चौक के लिए, और सुभाष चौक से जाते हैं बादशाहपुर के लिए ऑटो, जो कि आपसे 20 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि आपको एरिया मॉल के बिल्कुल जस्ट सामने उतार देते हैं। और इस मॉल के अंदर की जो एंट्री है वो फ्री है, डायनासोर पार्क की एंट्री जो कि बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर कई सारी तरीके की आपको वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं शॉपिंग की और फूड की, जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। सीएम सर को हमारे द्वारा पकड़ा है। सीएम साहब क्या कहना चाहोगे इस मॉल के लिए? इस मॉल के लिए भाई साहब बहुत जबरदस्त बनाया है, अच्छा है। अभी हम वो जो मेन देखने हैं वो देखेंगे, पहले तो देखेंगे डायनासोर भी दिखाएंगे, आप सबको भी दिखाएंगे। तो ये देख लो, ये अच्छा है यार, यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक डायनासोर वाला या तेरा वाला? मेरे वाला तो है ही, और डायनासोर वाला भी अलग कॉन्सेप्ट है। और ऊपर दिखाओ ये क्या है भाई, घास सी लगा रखी है ये। सामने देख सकते हैं, ये है डायनासोर पार्क इस मॉल के अंदर का, ये देख सकते हैं, इसकी आंखें देखो जाके। ये देख सकते हैं राइनोसोरस। इधर हो जा, दांत मार दे। अरे नहीं नहीं, मैं कटना चाहता हूँ। और ये क्या, डायनासोर के अंडे से गोविंद निकला? भाई मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं, ये एक और डायनासोर है, इसका नाम क्या है लिखा कहीं? लिखा नहीं है, पर इसकी नाक पकड़ के देख सकते हैं हम। देख सकते हैं, सही है बेटा कलाकारी। देख सकते हैं एक मरा हुआ डायनासोर, मर गया, देख पेट फाट गया इनका, ये अपना ना बाड़क दे के निकल गई, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कह रहा तू? हाँ यार ये ना डैमेज हो गया, देखो इसको स्पोर्ट दे के। डैमेज नहीं, ये बनाया इसी तरीके से। ये डायनासोर का मुंह और ये उसके स्केलेटन जैसा बना रखा है कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये सामने है द फॉसिल वर्ल्ड, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा, और अंदर सब कुछ वो है। और सारे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई ऊपर देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे 65 मिलियन ईयर एबो राइनोसोरस पाए जाया करते थे, 150 ईयर्स, 145 ईयर्स, 150 ईयर्स,
से पर 150 मिलियन ईयर्स 150 मिलियन ईयर्स अगर आप डायनासोर से रिलेटेड कुछ सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉप से भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपको सेम सब कुछ मिल जाएगा, टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए। और ये बायजूस और ये एग देख सकते हैं सामने, इसमें मैंने आपको अपना चित्र भी दिखाया था। और ये है मॉल इस साइड में, तो यहाँ सारा का सारा जितना भी ये डायनासोर पार्क है वो ख़त्म हो जाता है, देन यहाँ पे स्टार्ट होगा म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, वो दिखाएंगे अब आपको हम। अब हम दिखाने वाले हैं इस मॉल की एक यूनिक खास बात, जो कि है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स जो यहाँ पे हैं। 4-5 कमरे हैं, हैं सीएम साहब, चले अंदर। हाँ बिल्कुल, दिखाओ कहाँ पे। अंदर अंदर यहाँ पे, ओके, ये आप किचन देख सकते हैं, सारा उल्टा देखो, ये खिड़की यहाँ पे है। अच्छा देखो ना, वर्किंग प्रोसेस है ये, टेम्प्रेरी क्लोज है ना, तो इसमें एंट्री मिल जाती, और ये पूरा उल्टा किचन है। हम देख सकते हैं ये एक स्पॉटलाइट है, और ये हमारा नवीन भाई पोज देता हुआ, क्या है दूसरा गए हम, मैजिकल चेयर जैसे भाई को देखो, क्या हाल चाल है ब्रो, देखो देख सकते हैं इस तरीके से लेना पड़ेगा एंगल में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंजेस हो गए हैं, ये है म्यूजियम का इल्यूजन। अभी आपको चेयर लग रही थी पर अभी चेयर रही नहीं, इस एंगल पे हमें फोटो लेनी पड़ेगी, इस एंगल में कुछ ज़्यादा। 2D कैफे देख सकते हैं आप, वाइट वाइट, डोंट लेट गो देख सकते हैं यहाँ पे, ये उल्टी उल्टी फोटो आएंगी यहाँ पे इस तरीके से। हेड सॉक देख सकते हैं, मुंडी गायब कर दी इस आदमी ने इस बंदे की, देख सकते हैं पेट भी नहीं बचा इसका, कैसे जी रहा है ये नशेड़ियों की तरह। ये कहाँ बैठे हो सिम साहब तुम? सेल्फी पॉइंट है। इस मॉल के अंदर ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमरे बना रखे हैं, ऐसे 5-6 कमरे बना रखे हैं देख सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ फोटोग्राफी कर सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारी है, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स। ये यहाँ पे भी बढ़िया आई फोटो, यहाँ पे बल्ब के पास में पर ठीक आ रही है, बस बढ़िया है ना, मस्त है भाई साहब, है ना। एक बार ऊपर चलते हैं, घूमते हैं फिर बताते हैं। सामने यहाँ पे इतने सारे कैफेटेरिया हैं जो कि हम आपको ऊपर अभी दिखाने वाले हैं, सबवे में, सबवे वगैरह सब है इधर, मतलब वाव मोमो, वाव चाइनीज, डोमिनोज, बर्गर किंग, ये सब है यहाँ पे। हमने है नीचे डायनासोर पार्क पूरा का पूरा, और यहाँ पे है बच्चों के लिए गेम्स पिंड बलूची के जस्ट बराबर में, तो ए सी एम साहब फोटो ले रहे हैं भाई साहब की। और यहाँ पे है आगे बच्चों के लिए खेलने पीलने के सामान, मॉल के ना बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, जो कि मैंने 2-3 यूनिक चीज़ें जो कि मैंने आपको अभी दिखाई। और अब हम बच्चों के जो सेक्शन वाला एरिया वहाँ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे भैया बच्चे अपने आगे गेम्स भी खेल सकते हैं और बड़े भी आगे खेल सकते हैं बॉली वगैरह, और पीछे लिखा है एरिया मॉल। यहाँ पे है पिंड बलूची और यहाँ पे सरदार जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की गेम्स वगैरह खेलने के लिए एंट्री। ये
ये 3D गेम, यहाँ बैठ के बच्चे गेम खेल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी गेम्स, ये देख सकते हैं, ये स्पेशली बच्चों के लिए है, और मतलब बच्चे बड़े बूढ़े जो भी खेलना चाहते हैं सब खेल सकते हैं ना, वैसे ही है। ये देख सकते हैं सामने, अगर इसमें गेंद डालोगे 150 का है, 150 पर प्लेयर, तो कुछ भी जीत सकते हैं हम इसके अंदर से, देख सकते हैं आप। ये वाली गेम कैन गिराने वाले, इसमें कुछ ना कुछ सामान मिलेगा आपको, 150 पर प्लेयर, पर गेम पर प्लेयर। इसमें क्या है, अच्छा रिंग डालने वाली है, रिंग गेम है ना, जो रिंग डालेंगे अगर ऊपर अटकेगी तो कुछ ना कुछ जीत सकते हैं हम। ये क्या भाई, कुछ तो है ये, अच्छा ये बास्केटबॉल, अगर बॉल ही कराएंगे तो ये है सारी चीज़ें। तो गेम्स वगैरह हैं यहाँ पे बहुत सारी जो कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यही जो हम गेम खेलते थे पहले, टेप टू कुछ निकलेगी, कुछ नाम मिलेंगे, उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये अच्छा ये अगर ये पकड़े बॉल ले गएगी तो बॉल आपकी, वाह बेहतरीन। शूटिंग गेम है, शूटिंग गेम, और ये है यहाँ से मेन्यू ले सकते हैं कितने का क्या है। और इस वीडियो में इतना ही था, और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और डायनासोर पार्क आपको कैसा लगा, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स कैसे लगी। और इस वीडियो में इतना ही है, मैं ना दिल्ली NCR में ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ, तो अगर आपको दिल्ली NCR के अंदर घूमने फिरने की जगहों के बारे में जानना है, और हम स्टेट वाइज भी ट्रैवल करेंगे, तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे चैनल पर। मैं हूँ गोविंद और आप देख रहे हैं विजिट यू।